गाइस, मेरे बताए हुए ये कुछ नियम आप जिंदगी भर के लिए गांठ बांध कर रख लीजिए। आपके चेहरे का नूर आपकी आखिरी सांस तक बरकरार रहेगा और बुढ़ापा कोसों मील दूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही नेचुरल तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आज आपकी जिंदगी बदल कर रखने वाला है, आपको इतना यूजफुल लगेगा और विद इन अ मंथ आपके चेहरे पर इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा जो आज से पहले महंगे से महंगी क्रीम, फेशियल, ट्रीटमेंट्स कभी नहीं दे पाए होंगे। तो देरी मत कीजिए, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है वो तरीके। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे ना एंड तक देखने के बाद तो मेरी मेहनत के लिए लाइक जरूर करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सबके साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishramehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। गाइस, तो आज सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारे फेस पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। हमें एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है आजकल यूथ में, जैसे हम 14-15 के पहुँचते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, हमें समय से पहले बुढ़ापा हमें चेहरे पर दिखने लगता है, चेहरा बिल्कुल डल पड़ जाता है ना, और एकदम से हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा बहुत अपनी एज के अकॉर्डिंग मैच्योर दिखना शुरू हो गया है ना, बहुत अजीब सा ही सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पिगमेंटेशन हो गई है, डल स्किन हो गई है, अनइवन हो गई है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा पेट, अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो आप समझ लीजिए कि आपके पूरी बॉडी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो पेट सबसे पहले हमें टारगेट करने के लिए क्या करना है, सुबह उठते ही आपने बासी मुंह 2-3 ग्लास गर्म पानी पीना है, ठीक है, ये है पहला नियम। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, जितनी भी गंदगी जमा है, वो सारी आपके यूरिन और पॉटी के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है, आपका शरीर एकदम से साफ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम आपने क्या करना है, आपने सुबह उठते ही कोई भी आपने फेस वॉश नहीं लगाना, कुछ आपने अब क्रीम वगैरह नहीं लीपनी अपने फेस पे, आपने जोर जोर से ठंडे पानी की छींटे अपने चेहरे पर डालनी है। कम से कम 5 मिनट तक अपने चेहरे पर आपने छींटे मारते रहनी है। छींटे मारने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके जो फेस पर है बहुत फास्ट हो जाएगा और साथ में आपके जो मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, वो मेलानिन की प्रोडक्शन आपके फेस में, आपके पूरे उस बॉडी में कम होने लगेगी, ठीक है। तो आपने ठंडे पानी की छींटे मारनी है कम से कम 5 मिनट के लिए और 2-3 घंटे तक आपने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाना है। तीसरा नियम क्या है, हमें अपने जिंदगी में कोई ना कोई योग आसन जरूर शामिल करने हैं और जरूर उनको रोजाना फॉलो करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 2 योग आसन शेयर करूंगी। वैसे मेरे चैनल पर बहुत सारे फेस को कैसे आप अच्छा रख सकते हैं, कैसे मसाज करना है, बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे। लेकिन 2 योग आसन जो अभी आपको मैं बता रही हूँ, सेम आपको वो रोज करने हैं। क्या करना है, पहले आपको अपने दोनों हथेलियों को रब करना है, आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसके बाद में पूरे चेहरे पर आपने इसको रखना है। ऐसा कम से कम आपको 5-6 दफा रोजाना करना है, ठीक है, सुबह उठते ही। आप चाहें तो उठ बेड्स के टाइम, जो बेड पे बैठे हैं तभी कर लें, नहीं तो पानी वानी पी के फ्रेश होके आराम से इसको कर लें। दूसरा योग आसन आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, मुंह में एयर भरना है और कुछ सेकंड्स के लिए, यानी 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, देन रिलीज करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। रब करने से आपने फेस पे लगाया, हीट प्रोड्यूस हुई, आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो गया। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके फेस पे आ रही थी, आपके चेहरे पर नूर नहीं था, एक्नी था, पिंपल था, जो भी इश्यूज थे वो क्लियर आउट हो जाएंगे। दूसरे योग आसन में आपने इस तरीके से करना है, रिलीज, ठीक है, 5-6 दफा आपने दोनों योग आसन रोजाना करने हैं। सुबह टाइम नहीं तो शाम को करो, जितनी बार आप कर सकते हो पूरे दिन में उतनी बार करो, लेकिन सुबह की हुई क्रियाएं आपके फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं। ये हो गए जिंदगी के आपके 3 नियम जो आपको गांठ बांध के रखने हैं। चौथा नियम, मार्केट में एलोवेरा जूस आता है, किसी भी ब्रांड का ले लो, मैं जो ले रही हूँ वो पतंजलि का ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। आपने जब गर्म पानी पिया उसके आधे घंटे बाद आपने थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लेना है रूम टेम्परेचर वाला, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में अगर आप ले रहे हैं तो आपने हल्का उसको कोसा कर लेना है। जिंदगी भर माइंड में रख लीजिए कि आपको एलोवेरा जूस पीना ही पीना है, आपने एक ढक्कन उसका एलोवेरा जूस का आपने उस पानी में डाल देना है, कांच के ग्लास में जिसमें आपने आधा ग्लास पानी भर के रखा है, और उसको आपको खाली पेट पी लेना है। एलोवेरा जूस
आपकी स्किन पर इतना अच्छा ग्लो लेकर आएगा ना कि आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे कि ईशा आपने मुझे ऐसा नुस्खा बता दिया ना जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है, पिंपल्स एक्ने कहाँ चले गए पता नहीं और स्किन पे बहुत अच्छा नूर आ गया है, एजिंग कहाँ चली गई पता नहीं। सीरियसली आपके फेस से आपकी एज का पता नहीं चलेगा, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बॉयज भी कर सकते हैं ये सारे नुस्खे, गर्ल्स के लिए स्पेशली नहीं है, बॉयज भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी करवाएं, स्टार्टिंग से उनका फेस बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपका बच्चा 10-12 ईयर्स का हो गया, थोड़ी शैतानी से बाहर आ गया है, तो डेफिनेटली वो आपकी ये सब चीजें फॉलो करेगा। इसके आधे घंटे बाद आप कोई भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आपकी कोई बीमारी की मेडिसिन चल रही है वो आप ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले नियम की तरफ जो आपको रोजाना करना है। रोजाना आपको एक आइस क्यूब लेनी है और अपने पूरे फेस पर अच्छे से रब करना है। अब बता देती हूँ आइस क्यूब क्या करती है और रोज क्यों करना है। आइस क्यूब आपके अगर फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो पहली बात है उनको श्रिंक करेगी, दूसरी चीज क्या करेगी, बहुत सारे लोगों के गर्मी में फेस में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं या मौसम बदलने के कारण हो जाते हैं, धूल मिट्टी के कारण हो जाते हैं, कहीं हमने शिफ्ट कर लिया तो पानी चेंज होता है तो दाने हो जाते हैं, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो आप जब राइस क्यूब को रब करते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तीसरा फायदा, अगर आपके समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है तो ये आपकी मसल को स्क्वीज करता है, यानी समय से पहले जो आपकी एजिंग आ रही थी वो आपकी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो आइस क्यूब डेली रब करनी है। अगर और बेनिफिट चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल विटामिन ई को दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी आइस क्यूब जमा लो और उसको रब करते रहो। अगर वो सूट नहीं करता, टाइम ही नहीं है, तो नॉर्मल पानी जमाओ और उसका, लेकिन पीने वाला पानी, टैप वाटर से नहीं आपने आइस क्यूब रब करना, पीने वाला फिल्टर वाला पानी यूज करना है, उसकी आइस क्यूब जमानी है और उसके बाद उसको रब करना है। इसके साथ एक लास्ट नियम बोल लीजिए या रूल बोल लीजिए, अपनी कसम खा लीजिए कि आपने करना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं उतनी ही आपकी बॉडी क्लीन रहती है, टॉक्सिन्स नहीं रहते आपकी बॉडी में और आपके फेस पे ग्लो बना रहता है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि 3-4 लीटर पानी जरूर पिए, सर्दी में गर्म पिए और गर्मियों में फ्रिज का ना पी के घड़े का पिए या रूम टेम्परेचर वाला पिए, और हो सके तो तांबे के जग का पानी पिए, प्लास्टिक बॉटल को बिल्कुल बैन कर दें, तांबे के जग का पानी इतना अच्छा होता है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा, तो जमकर शेयर करना, बस दिल से मेरी यही गुजारिश है। ऐसी कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जो है ना इसको प्रेस करना होगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।